हेलो देयर पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और इस वीडियो में मैं चला रहा हूं द हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीम 200S। ये हीरो मोटोकॉर्प की नई फुल्ली फेड मोटरसाइकिल है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एक करिश्मा का अपग्रेड है। वेल, इफ यू वांट टू थिंक लाइक दैट यू शुड, बिकॉज दिस कम्स विद अ लॉट मोर इक्विपमेंट कम्पेयर टू द करिश्मा एंड इट लुक्स मच बेटर देन द करंट करिश्मा मॉडल दैट वी हैव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने में एंड स्पेशली एट दिस रेस ट्रैक वी आर एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। और चलिए बताते हैं क्या है इस मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशन। इस बाइक के साथ आपको एक 200cc 199.6cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर OHC मोटर मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर एट 8000 RPM एंड 17.1 Nm की टॉर्क एट 6500 RPM। और इसके साथ आपको FI फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है, यू ओनली गेट अ कार्बोरेटर। आपको किक स्टार्ट भी मिलता है एंड यू गेट अ 5-स्पीड गियरबॉक्स। इसमें आपको कोई स्लिपर क्लच या ऐसे फैंसी फंक्शंस, एक्सपेंसिव एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल टू राइड, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसी है। अगर आप इसे एक सिटी कम्यूटर की तरफ से देखते हो, दिस इज बेटर देन द एक्सट्रीम 200R। यू नो हाउ? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द विंड ब्लास्ट। फुल फेयरिंग है बट हाइट में फेयरिंग शॉर्ट है, बट स्टिल इट डिफ्लेक्ट्स द विंड फ्रॉम योर बॉडी। तो अगर आप एक बाइक खरीदना चाहते हो जिसपे आप हाईवे टूर्स, हाईवे राइड्स पे, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पे जाना चाहते हो, या अगर आपके कॉलेज जर्नी में अगर आप हाईवे एनकाउंटर करते हो, दिस इज गोइंग टू बी मोर कम्फर्टेबल दैन द एक्सट्रीम 200R, बिकॉज दिस एक्सट्रीम 200S हैज अ फेयरिंग एंड दिस विंड स्क्रीन विल हेल्प इन डिफ्लेक्टिंग द विंड टू सम एक्सटेंट। अगर आपको पूरी तरीके से विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट होना है तो शायद आप ये विंड स्क्रीन आफ्टर मार्केट में जाके नई बड़ी वाली खरीद सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज द इंजन। द इंजन जो है इट इज एयर कूल्ड। फॉर 2019 स्टैंडर्ड्स एयर कूलिंग इज नॉट रियली दैट ग्रेट। कॉम्पिटिशन जो है, इफ यू कंसिडर द लाइक्स ऑफ द पल्सर RS 200, इफ यू कंसिडर द यामाहा R15 Version 3, ये बाइक्स के साथ आपको एक लिक्विड कूल मोटर मिलता है। But then the Xtreme 200S is a lot cheaper in comparison to those bikes, and hence air cooling does justify because of the price tag. लेकिन अगर आप इस बाइक को फुल वैक पे चलाते हो, यानी कि फुल थ्रॉटल, जस्ट बिकॉज वी आर एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वी गॉट अ चांस टू डू दैट, इंजन जो है वो थोड़ी स्ट्रेस्ड फील होती है। अगर टॉप स्पीड की बात करूं, मैंने मेरे जर्नी में आज 113-114 किलोमीटर पर आवर स्पीडों पे देखा था। Now for a 2019 motorcycle, a 200cc class, fully fed motorcycle, 113 to 114 might not sound like a good or great figure. अगर आपको एक long straight मिलता है, शायद 120 की speed आप इस पे से cross कर लोगे. But then the engine starts vibrating in those speeds. आपको थोड़ा बहुत buzz feel होगा, especially around the fuel tank area जहाँ पे आपके पैर rest होते हैं, and also on the foot pegs. Handle bar पे अगर आपने अच्छा riding gear, अच्छे gloves पहने हैं, तो जो buzz है, वो थोड़ा बहुत अच्छे से mute हो जाता है. It is taken care of with the amount of rubber that you have on your hands. But then there is some amount of buzz, and you cannot deny that fact. अगर आप hardcore fast चला रहे हो भाई, आपको इस bike में से थोड़ी बहुत fall shifting की feeling भी आएगी. When I was riding out on the streets, मुझे इन द टॉप गियर ऐसे लगा कि गियर शायद से स्विच हो रहे थे, बट इट एक्चुअली डिड नॉट, बट देन इट स्टिल मेड मी फील लाइक दैट। सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स दिस इंजन अ लिटिल अनरिफाइंड कंपेयर्ड टू द जैपनीज राइवल्स और कंपेयर्ड टू द बजाज पल्सर RS 200। क्लच एक्शन जो है वो काफी लाइट है, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्लिपर क्लच तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स एट दिस प्राइस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। एंड स्टिल द गियर बॉक्स वर्क्स डीसेंटली एक्सेप्ट फॉर दैट फॉल शिफ्टिंग इशू। You will not have any problem riding this bike in the city limit, because city में जब आप bike को चलाओगे, you are not going to really keep redlining it. और अगर आप redline नहीं कर रहे हो, अगर आप say for example 5000 to 6000 RPM के आसपास या उसके under gear shifting कर देते हो, the engine will feel happy. The engine is good enough to deliver performance in triple digit speeds, but then it will not feel very refined. And also engine में से तभी आपको एक clattery noise भी सुनाई देगा। बात करते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो इस बाइक के साथ आपको फ्रंट व्हील पे ABS मिलता है। इट वर्क्स डीसेंट। हमने इतनी फास्ट चलाई ये बाइक आज ट्रैक पे, एंड सडनली वी ग्रैब्ड द ब्रेक ऑल आउट, पूरी तरीके से हार्ड हमने ब्रेक को यूज किया था, एंड इट डिड नॉट लॉक अप इवन वंस। ब्रेक में से कोई भी फेड भी हमें फील नहीं हुआ। रेयर ब्रेक पे से भी फील और फीडबैक जो है वो सेगमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंसिडरिंग दिस इज अ मोटरसाइकिल विच इज बिल्ट अराउंड द स्ट्रीट बाइक, इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कंप्लेन अ लॉट अबाउट। टायर जो हैं, दीज MRF Revs यूनिट्स वर डिसेंट इनफ टू ऑफर अस द ग्रिप
कंपेयर टू व्हाट द परफॉर्मेंस दिस बाइक हैज़ टू ऑफर। चैसी भी जो है वो ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एज डायनामिकली रिच एज द पेरीमीटर फ्रेम ऑफ द बजाज मोटरसाइकिल्स और द डेल्टा बॉक्स चैसी ऑफ यामाहा मोटो बाइक्स, बट देन फॉर अ प्राइस एट 98,500 ऑल ऑफ दिस इज जस्ट साउंडिंग लाइक अ गुड पैकेज। क्योंकि जब आप बाइक को पूरी तरीके से देखते हो और जब आप इसका टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचोगे, दिस डजंट साउंड टू बैड। इट इज़ अ टिपिकल सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल व्हेन इट कम्स टू द एग्जॉस्ट साउंड, तो उसमें कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। ओवरऑल यू गेट अ किल स्विच, यू गेट एवरीथिंग दैट यू नीड ऑन दिस मोटरसाइकिल। आपको एक किक स्टार्टर भी दिया गया है, तो अगर आपको किक स्टार्ट यूज़ करना पसंद है, यू कैन यूज़ दैट जस्ट इन केस यू फील दैट अ किक स्टार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक स्टार्ट तो आपको दिया ही है ऑन द हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीम 200S। यू ऑल्सो हैव अ चोक स्विच ओवर हियर बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ कार्बोरेटर मोटरसाइकिल, एन इंजन विद अ कार्बोरेटर। कॉमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीम 200S। अगर आपको सिटी में चलाने के लिए बाइक चाहिए विद सम ओकेजनल हाईवे रन्स, क्या आप ये बाइक खरीदोगे? विल यू बी कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल टू शो ऑफ टू योर फ्रेंड्स, टू गो एंड राइड फास्ट टू योर कॉलेज और मे बी कम्यूट एवरी डे टू योर ऑफिस। टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, ऑलवेज वेयर प्रॉपर राइडिंग गियर एंड स्टे सेफ।